आजमगढ़ और रामपुर चुनाव हार का सबसे बड़ा कारण कि लड़ाई जो हो रही थी, उस लड़ाई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी थी और समाजवादी पार्टी का संगठन धरातल पे कमज़ोर होने की वजह से और बहुजन समाज पार्टी बैकडोर से पिछले दरवाजे से रामपुर प्रत्याशी न देना और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो आजमगढ़ का प्रत्याशी गुड्डू जमाली बसपा छोड़ दिया था बीजेपी के कहने पर, बुला करके उसको लोकसभा का टिकट दिया गया, जिसके वजह से वोटों का बंटवारा हुआ और चुनाव हम लोग हारे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिल के करना चाहिए। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवास्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है, उसे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब कमज़ोर पिछड़े दलित वंचित किसान नौजवान बेरोजगार हैं उनको अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं।